हेलो एवरी वन एंड वेरी वन वेलकम टू शिक्षा सो गाइज कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एन सी आर टी का फिफ्थ लेक्चर है और एन सी आर टी के ही स्ट्रिक्टली हम यहाँ पर एम सी क्यूज़ करेंगे और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जब एन सी आर टी को एक्सप्लोर करोगे हो सकता है कि उसमें आ, कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हूँ तो वो स्किप इसीलिए की गई हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एन सी आर टी खोलोगे प्लस वन की कंप्यूटर साइंस की इलेवेंथ क्लास की तो उसके अंदर चैप्टर नंबर टू जो है वो जो चैप्टर है वो एनकोडिंग के ऊपर है बेसिकली ठीक है तो वो चैप्टर को अगर आप देखोगे तो आपको लग, लगेगा कि सर वो चैप्टर हमने कवर नहीं किया है तो हाँ वो चैप्टर हमने कवर नहीं किया है क्योंकि वो जो चैप्टर है वो टेक्निकलिटीज उसके अंदर ज्यादा हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वो नहीं है ठीक है तो वो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ ताकि फिर आपके मन में ये ना आए कि सर ये तो ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया तो जो चीजें छोड़ी जा रही हैं वो छोड़ी इसीलिए जा रही हैं क्योंकि सब कुछ तो हम वैसे भी नहीं कर सकते नहीं तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं चार साल की कंप्यूटर साइंस के अंदर ठीक है वो अलग होता सिस्टम तो बाद में उसमें कंफ्लिक्ट ना आए या कमेंट्स के अंदर आप खुद भी परेशान ना हो इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ क्वेश्चन देखने से पहले जो भी यूट्यूब के लेक्चर्स हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्मॉल एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको उसके लिए देना है साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के सारे इंपॉर्टेंट एम इसके अंदर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ पी एफ कोड आपको यूज करना है फॉर गेटिंग फिफ्टी डिस्काउंट

तो टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस यहाँ पर आपको लिस्ट गिवन है कमांड ग्राफिकल टच बेस्ड वॉइस बेस्ड जेस्टर बेस्ड तो बेसिकली देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं ठीक so, है सो जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन बिल्ड होनी है या जो एप्लीकेशन चलनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलनी है ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको एप्लीकेशन अपनी चलाने के लिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेमोरी को भी लोड करेगा ठीक है सीपीयू के एग्जीक्यूशन में भी काम करेगा और जहां पर मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि क्या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होना है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर का इंटरफेस क्या बेसिकली अब आप कंप्यूटर चला रहे हो तो आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो ठीक है तो कंप्यूटर के साथ आप जो इंटरेक्शन कर रहे हो वो किस तरीके से हो रही है वो उसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस क्योंकि कंप्यूटर के साथ आप फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से इंटरेक्शन कर रहे हो तो वो यूजर इंटरफेस है माउस यूज कर रहे हो टच यूज कर रहे हो तो वो सब क्या है आप वॉइस अपनी यूज करते हो जैसे गूगल के अंदर आप करते हो ना ओके गूगल डू दिस या Siri के अंदर तो वो क्या? वो क्या भी किस चीज के एग्जाम्पल है आपके यूजर इंटरफेस का तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है एक तरीके से कंप्यूटर के साथ उसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं और ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस होते हैं ओके okay?

ठीक है अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है कुछ ओपन करना है कुछ एडिट करना है कुछ डिलीट करना है तो आपको कमांड देनी पड़ेगी ठीक है तो कमांड देने के लिए आप जो स्पीक के अंदर प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज करते हो वो कीबोर्ड यूज करते हो जैसे अभी तो आप कंप्यूटर के अंदर जो आपका विंडोज है वो क्या वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्योंकि उसके अंदर क्या है उसके अंदर तो आइकन बने हुए हैं एप्लीकेशन के उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो अपने माउस के के कर्सर को लेकर जा करके और वो खुल जाती है लेकिन कमांड यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं होता था कमांड यूजर इंटरफेस में कुछ भी करना है तो उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी तो जो भी यूजर है उसको वो स्पेसिफिक कमांड याद रखनी पड़ेगी जो भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोड सपोर्ट करता है ठीक है तो उसके अंदर वो टच करके या क्लिक करके आप चीजों को नहीं खोल पाओगे इसीलिए कमांड यूजर इंटरफेस को क्या बोला जाता है कि ये लेस इंटरएक्टिव है और इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम है कि आप इसमें सिर्फ सिंगल प्रोग्राम को एक टाइम पर चला सकते हो एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आपके एम एस डॉस और यूनिक्स दूसरी तरफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आप कंप्यूटर को मल्टीपल फॉर्म्स में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो जैसे आइकन पे क्लिक करके मेन्यू पे जा करके विजअुअल ऑप्शन टच करके वो आपके सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आ जाते हैं ठीक है सो so बेसिकली इसके अंदर आप कीबोर्ड माउस दोनों चीज़ों को यूज कर सकते हो और एक्जाम्पल आपके जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उबुंतु फेडोरा मेकिन ये सब क्या है ये आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आते हैं और आजकल तो यही यूज होते हैं अब कमांड यूजर इंटरफेस नहीं यूज होते हैं

जब इंसान पैसा होता पैदा होता है तो खुद ना खुद उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस आ जाती है तो हम आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मशीन के अंदर तो कोई इंटेलिजेंस नहीं होती ना लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मशीन के अंदर जैसे इंसान के अंदर एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वैसे ही मशीन के अंदर भी एक इंटेलिजेंस बिल्डअप कर रहे हैं ताकि वो मशीन भी इंटेलिजेंटली बिहेव करे ठीक है वो ऐसे टास्क परफॉर्म करे जिसमें इंसानों के इंटरवेंशन कम से कम हो अभी तो तो क्या होता है नॉर्मल मशीन को ऑपरेट तो करने के लिए आपको इंसान चाहिए तभी वो मशीन चलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि इंसान की इंटरवेंशन कम से कम हो जाए ठीक है तो अल्टीमेटली हम उस मशीन के अंदर एक नॉलेज बेस क्रिएट कर देते हैं ताकि उसके अंदर वो डिसीजन ले सके जैसे रोबोट मूवी आई थी इंडिया के अंदर उसमें वो चिट्टी होता था ना तो वो क्या था वो एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है कि उसके अंदर आपने चीजें डाल दी कि भाई सामने तू गाड़ी चला रहा है सामने गाड़ी आ गई तो तू तु अब तुझे ब्रेक मारना है सामने कुछ आ गया तो तुझे ब्रेक मारना है वो आपने उसके डेटाबेस के अंदर फीड कर दिया तो वो क्या है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब जैसे देखो आप जो ये सीरी गूगल नाउ एलेक्सा कॉटन ना, ये सब क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ही होते हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द Now, का वैसे बड़ा गुँ, गुँ, है, लेकिन हम एनसीआर में देखेंगे और एल्गोरिदम्स जो यूज होती है मशीन लर्निंग के अंदर उनको क्या बोलते हैं मशीन कोड मॉडल टेक्स्ट डेटा कोड आंसर है, है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मॉडल्स मॉडल्स बोला जाता है जो एल्गोरिदम्स आपकी मशीन लर्निंग के अंदर यूज होती है ठीक है सो so, उनको क्या बोला जाता है मॉडल्स सो so, यहाँ पर मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है ये एक सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जहाँ पर कंप्यूटर्स की एबिलिटी है कि वो स्टेटिस्टिकल uh, टेक्निक से डाटा जो अवेलेबल है उस डाटा को यूज करके दे कैन लर्न थिंग्स दे हैव द एबिलिटी टू लर्न जैसे आपके पास एबिलिटी है ना कि आप किताब में से पढ़ करके चीज़ों को लर्न कर लेते हो वैसे ही एक तरीके से कंप्यूटर के पास भी अभी एक तरह की मशीन के पास भी एक तरह की ये एबिलिटी आ गई जहाँ पर वो जो उसके अंदर डेटा फीड है या जो स्टैट्स फीड है वो उसको यूज करके एबिलिटी है कि वो लर्न कर सके ठीक है एंड इसके अंदर ह्यूमन बींग इंटरवेंशन अगेन फिर से कम होगी अब ये जो मशीन लर्निंग का प्रोसेस है इसके अंदर वेरियस एल्गोरिदम्स को यूज किया जाता है जिससे अल्टीमेटली वो लर्न करता, करता है और प्रेडिक्शंस करता है सो ये जो एल्गोरिदम्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है मॉडल बोला जाता है और ये एल्गोरिदम्स को पहले ट्रेन किया जाता है फिर टेस्ट किया जाता है एंड फिर इसको फाइनली यूज किया जाता है ओके फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन द प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर Of search engine that helps us by suggesting the next word in sentence while keeping keywords and spell checking features are example of. अब देखो आप जब Google के ऊपर जाते हो Google पे कुछ search करते हो ठीक है अब आपको for example search uh, करना है what is ठीक है अब what is computer आगे वो आगे अपने अपने आप सजेशंस दिखाता रहता है ना नीचे वो सजेशन बॉक्स आता रहता है वॉट इज कंप्यूटर साइंस वट इज कंप्यूटर मैनेजमेंट वट इज कंप्यूटर बिल्डिंग इस तरीके के फॉर एग्जाम्पल वो सजेशन शो करता है गूगल में आप सबने देखा होगा या आप कुछ लिख टाइप कर रहे हो गूगल के अंदर वो उसकी स्पेलिंग गलत है तो वो उसकी स्पेलिंग को भी नीचे ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दिखा देता है कि हाँ ये इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा तो वो सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी तो नेचुरल लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है ये वो फीचर होता है जिसके अंदर जो सर्च इंजन है वो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट वर्ड के जो आपकी टाइपिंग ईजी कर देते हैं स्पेल चेकिंग करते हैं ओके okay? और एक तरीके से ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन जो है वो इम्प्रूव करेगा दिस इज योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सो दीज वॉर द क्विक फाइव क्वेश्चन गाइड एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें See you in the next class. Till then, take care and bye.